राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है। जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है, अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आती। एक दिवसीय बिलासपुर दौरे के दौरान कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि पूरे 450 साल बाद भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी जन्मभूमि में दोबारा विराजमान होने जा रहे हैं, ये समूचे देशवासियों के लिए बेहद ही गौरवान्वित कर देने वाला पल है। साथ ही ये घटना उन राजनीतिक दलों को करारा जवाब है जो ये कहा करते थे कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे, तो आज उनको भी ये जवाब के साथ निमंत्रण भी मिल चुका होगा कि 22 जनवरी को भगवान राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या में पुनर्स्थापित होने जा रहे हैं। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल द्वारा ईडी के बुलावे को बार बार नकारने के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि जो पार्टी ईमानदारी की दुहाई देकर समाज और सत्ता में आई थी, आज वो सबसे बड़ी बेईमान पार्टी बनकर उभरी है। आज इस पार्टी के ज्यादातर मंत्री जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो वहीं खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल भ्रष्टाचार के एक मुद्दे में ईडी द्वारा बार बार बुलाए जाने के बावजूद भी उनकी पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे। इससे जाहिर होता है कि या तो दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। 450 वर्ष से लंबा इंतजार, रामलला की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, और जो राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता जो कल तक ये क्यास लगाते थे, प्रश्न खड़ा करते थे कि राम मंदिर तो बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे, आज वो दिन भी आया है कि जब लोग निमंत्रण का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा, जिसको 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण मिला है वो अवश्य आए, जिनको नहीं मिला वो अपने घर दीप जरूर जलाएं, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने इलाके के मंदिरों में साफ सफाई भी करें, पूजा पाठ भी करें, राम जी का गुणगान भी करें, और भव्य राम मंदिर के निर्माण पर मैं एक बार मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, और उन सभी लोगों का जिन्होंने लंबा संघर्ष किया। कई तो ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया भी है, कुछ ऐसे जिन्होंने जीवन खपा दिया भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए। तो ये दिन आया है जब आस्था के केंद्र बना है, और उसके आसपास बहुत सुंदर आधारभूत ढांचा, एक आधुनिक रेलवे स्टेशन, एक नया एयरपोर्ट जो भगवान वाल्मीकि जी के नाम पे समर्पित किया गया है, और अयोध्या धाम में वो सुविधाएं होंगी जो आधुनिक भी होंगी, आरामदायक भी होंगी, और आस्था के केंद्र को अध्यात्म का केंद्र बनाने में भी और बल मिलेगा। निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है। जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है, अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नज़र आती है। तीसरी बार फिर मोदी सरकार, और ये देश की जनता चाहती है, और दुनिया की उम्मीदें नरेंद्र मोदी जी और भारत से है। निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की जनता फिर एक बार मोदी सरकार बनाने पर मोहर लगाएगी। देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय है देहरा धर्मशाला, दो इसके कैंपस बनने थे, एक की अनुमति मिली जिस पर काम शुरू हो गया, दूसरे धर्मशाला की अनुमति मिली है जहाँ पर पैसा जमा कराना बाकी है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उस पर पैसा जमा हो और उसका कार्य भी शुरू हो।